जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्सकोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिटरी सेंटर का अंदर। जैसा कि देख रहे हैं, आज खुशी का माहौल है और बहुत सारे विद्यार्थी, छात्र एवं छात्राएं हमारी संस्था जो बुद्धा सैनिटरी सेंटर है उससे सफलता पा चुके हैं। और सबसे पहले हमारे बीच में राजीव कुमार आए हुए हैं, साथ में उनकी माता जी भी आए। अब हम जानना चाहेंगे कि माता जी को कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत मेहनत करवाए, मेहनत किया तो सफलता मिला। मेहनत आप करवाएंगे, आपका मेहनत से मेरा बेटा आगे बढ़ा सर। देखिए चाची, हम तो मेहनत सबको करवाते हैं, लेकिन कोई कोई इस बात को तजुर्बा देता है कि हाँ सर हमारे मेहनत कराए। इसको हमको ये था कि पिछली बार ही लड़का छट गया था, अभी करंट आए तुम बताओ यार। मेरा सफलता का राज सिर्फ हम अपने गुरु जी को देना चाहते हैं। अरे नहीं तो बस गुरु जी है, सफलता हमको उन्हीं की बदौलत मिला। आज हम जिस मुकाम पे आए हैं, दीपक सर का ही पूरा योगदान है और हम मेहनत किए हैं उसका फल है। दोबारा जैसे तुम आए यहाँ पे, तो एक बार अगर आदमी असफल हो जाता है और इस गर्मी में फिर से दौड़ना, प्रयास करना, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, ये सफर को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उस बात 8 महीने में जितना आप हमको ट्रेनिंग नहीं दिए, इस बात हमको 2.5 महीने में इतना ट्रेंड कर दिए सर कि हम वहाँ जाके उससे पहले से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। इतना धूप में भी हम गरदौरी बाग में एकदम फाड़ दिए। दूसरा बार में पहला इसका रिजल्ट गिर गया सर, दूसरा बार रिजल्ट हुआ तो एक आदमी बोला कि नहीं हमरे के यहाँ भेजना दौड़ने के लिए, दौड़ाएंगे हम, दौड़ाएंगे हम कि नहीं हम भेजेंगे तो दीपक सर ही भेजेंगे, हमको एक पैसा भी नहीं देंगे सर। मेरे पैसा अभी लिए हैं हमसे, पैसा भी सर नहीं, एडमिशन चार्ज भी मेरे से नहीं लिए थे। मैडम का बहुत शुक्रिया है, यहाँ का मैडम बहुत अच्छे हैं, इंचार्ज है, और हम लोग का भी मेरिट बना, फाइनल हुआ, सर को मिठाई खिलाए हैं, उसके बाद मैडम को हमने पैसा दिया। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी आते हैं, उसमें बहुत ईमानदार बहुत कम लोग होते हैं, नहीं तो अपना काम निकलने के बाद दोबारा दर्शन नहीं देते। लेकिन राजीव का ये कहना था कि हमारे जो फीस है, माँ ये हमको बोली है कि इस बार रिजल्ट होने के बाद ही हम पैसा देंगे, तो इसलिए उसको डिसिप्लिन में पहले बोलते हैं, डिसिप्लिन में रहिए, हार्ड वर्क करिए, हम तो झूठ मत बोलते। मेरा पहला ये कहना होता है, आप कमजोर हैं चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन में रहिए और अपनी कमी कम से बोलिए। कमी जब तक आप नहीं बताएंगे, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर अपनी कमी को डॉक्टर से छुपा लेंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? इसलिए मैं हर स्टूडेंट से, चाहे कितना भी कमजोर हो, इस बार मेरे पास जो पुराने स्टूडेंट छठे थे बिहार के, उसमें लड़के हैं, बबली भी एक लड़की है जो पिछली बार बबली का रिजल्ट हम अभी चेक कर रहे थे, उसका एडमिट कार्ड था मेरे पास, बबली को भी बधाई देना चाहेंगे और उम्मीद है कि वो भी आएगी, क्योंकि वो तो मोहल्ले की लड़की है, मुगल कुआं की है, वो घर में करेगी। और बताओ, तुम बता दे, तुम क्या कुछ कहना चाहोगे? हम कहना चाहेंगे कि बुद्धा ही एक ऐसी संस्था है जहाँ लड़कियों के लिए फुल सिक्योरिटी। जी ये बात हम भी बोलेंगे। इसके अलावा मैं कहूँगी दावे के साथ कि बिहार शरीफ में कोई लड़कियों को नहीं दे सकता। ये बात हम भी चैलेंज के साथ बोलना चाहेंगे कि बुद्धा ही एक ऐसा संस्था है, लड़की को इतना ज्यादा फुल्ली, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहिएगा, मैडम की निगरानी में यहाँ सब कुछ होता है। एक बार आइए बुद्धा में, उसके बाद देखिए यहाँ का रिजल्ट। अभी बिहार फायरमैन का, फायरमैन के बारे में तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग का दौड़ का डेट लगभग अक्टूबर में आप लोग का दौड़ होगा, इसलिए आइए बुद्धा में, रिजल्ट जिसका भी आ रहा है 65+ वो आके बुद्धा ज्वाइन कर लीजिए, बस यही बोलना है। आप बताइए, यहाँ जैसे ये आता था, देर तक रह गया माली रात वगैरह, आपको चिंता होती थी? जी जैसे रात में देर तक यहाँ रहता था, ट्रेनिंग कराते समय कभी कभी 7-7.5 भी जाता था रात में, जी लगता था सर कि हाँ मेरा बच्चा अभी इतना रात हो गया है नहीं आया है, लेकिन ये भी मन में सोचते थे कि नहीं सर तो बहुत अच्छा है, सर बहुत लाइक है, उनका ध्यान देते हैं। देखे हो कि ये तो बताया ना जी, सर हमको एक बार घर भी छोड़ने आए थे, बहुत अच्छा बोलने लगा कि सर आपको कितना मानते हैं, हमको जब रात में एक बार लेट हो गया था तो सर अपना बाइक से खुद बुलेट से हमको पहुंचाने के लिए। देखिए हमारे लिए जरूरी है, कोई लड़की भी आती है तो उसको लेट होता है घर छोड़वा देते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले चीज है,
और पुलिस में जा रहे हो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा राजीव बता रहा है कि अगर आपका रिटर्न 65 से प्लस नंबर आ रहा है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन का समय मिलेगा। ये कम समय में फिर प्रेशर में आप आ जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा। आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा कट ऑफ हाई जा रहा है, तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि हमको वर्दी पहनना है, तो वेलकम टू कोटा वंस अगेन। थैंक यू, जय हिंद।